खरे क्या करो यार, सबकी आती नहीं और मेरी चाहती नहीं। अरे छोड़ी बच्ची हो गया, समझ नहीं आता साथ रहो। नहीं नहीं यहाँ पर अपने टाइगर भाई मस्त बैकफ्लिप मारे पड़े हैं और उनका शर्ट जो है वो पैंट से बाहर निकला हुआ है भाई। लेकिन जैसे ही अपने भाई खड़े होते हैं, शर्ट तो मस्त पैंट में इन हुआ हुआ है और अपने टाइगर भाई इतनी मेहनत सिर्फ 10 फीट पीछे पड़े कोट को उठा के पहनने के लिए कर रहे हैं। मतलब कमाल। नहीं यार, क्यों ही इतनी मेहनत करनी भाई, पीछे ही तो पड़ा है ना, आप सीधा सीधा चल के जाके ले लो यार। इसके लिए 50,000 50,000 बैक फ्लिप मारने की क्या जरूरत है भाई, साला इधर मुंह से ही नहीं निकल रहा। बैक फ्लिप करना तो बहुत दूर की बात है और इनको बार बार करते देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। कंट्रोल। और भाई मेरे को नहीं पता था अपने बी प्राग भी ये पिक्चर में। और भाई ये इतना नीचे तलवार घुमा रहा है जैसे किसी को तलवार नहीं जमीन को झाड़ू मार रहा हो। नहीं भाई, इतना नीचे तलवार मारने का क्या ही मतलब, टाइगर की जगह कोई 10 साल का बच्चा भी होता तो वो भी बहुत ही आसानी से स्किप कर देता इसको जंप करके। बात तो सही है। अभी बबलू के दोनों हाथ टेबल के बिल्कुल एंड में है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में हाथ थोड़े आगे आ जाते हैं भाई। अभी लड़की के बाल और लैला का लेफ्ट हैंड एक ही लाइन में है भाई, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में लड़की थोड़ी आगे सरक जाती है। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। पूरी दुनिया में जितने भी छोटे बड़े साइबर क्राइम हो रहे हैं वो सब लैला करवा रहा है। वाह भाई, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब अगर सिर्फ इसे एक आदमी को निपटा दिया जाए तो भाई पूरी दुनिया से साइबर क्राइम ही खत्म हो जाएगा। ये तो बढ़िया है भाई। मस्त प्लान है। पीछे एक ही आदमी का हाथ है, एक ही आदमी का हाथ है, एक ही आदमी का हाथ है। भाई जो ये हरकतें करता है ना बंदा, मेरे को आदमी कम और सपना ज्यादा लगता है। एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। भाई सबसे पहले तो यहाँ पर विलन के नाम पे तालियां बनती है भाई। नहीं मतलब क्या नाम रखा है यार लैला। नहीं खैर, जब आप हीरो का नाम बबलू रख दोगे तो विलन का नाम तो लैला ही रखना पड़ेगा ना। नहीं यहाँ पर मेकर्स ने भी सोचा होगा कि हमने हीरो का नाम बबलू रखा है और विलन का कोई खतरनाक सा नाम रख देंगे तो हीरो का तो भाई पोपट हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक काम करते, विलन का भी कोई दर्द सा नाम रख देते और इसीलिए लैला रख दिया। यहाँ पर अपने नवाज भाई उर्फ लैला ने ये जो चाकू पकड़ रखा है ना, ये एक्चुअली में वही चाकू है जिसका ऊपर का अंदर घुस जाता है। लेकिन कम से कम इन्होंने हाथ में चाकू पकड़ा तो हुआ है ना, वरना आजकल तो हाथ में चाकू पकड़ते भी नहीं है भाई, बस हाथ से चाकू मारने की एक्टिंग कर देते हैं और चाकू को एडिट में घुसा देते हैं। इन्होंने कम से कम पकड़ा तो है। अभी लैला ने चाकू को यहाँ इतना नीचे मारा है, लेकिन फिर जैसे ही चाकू हटाते हैं तो खून का निशान जहाँ मारा था वहाँ नहीं आके उससे ऊपर आया है भाई। मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा भाई। यहाँ पर लैला ने ये जो हिंदी में बोला है ना, मेरे को नहीं लगता इनमें से किसी को कुछ समझ आया भी है। भाई लैला इसके बगल में इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन इस चाइनीज की शक्ल में कोई रिएक्शन ही नहीं है भाई। ही वॉज लाइक, मैं रिएक्शन देगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं। और भाई ये कैसी हंसी है यार, मतलब लिटरली किक मूवी में जो हंसी थी ना उसकी सस्ती कॉपी लग रही है ये। नहीं मतलब ये एक विलन की हंसी है जिसको सुन के डर लगना चाहिए, लेकिन ये हंसी सुन के मेरे को ही हंसी आ जाती है भाई। और भाई यहाँ पर लैला ने इस चाकू को पूरे नीचे तक तो हाथ में ही पकड़ रखा है भाई, तो क्या ही घुसाएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। और भाई यहाँ पर बबलू इस रॉड को नीचे करता है जो कि सडनली वहां से गायब हो गई। और भाई यहाँ पीछे एक येल्लो कार भी खड़ी है जो भी अगले ही पल गायब हो गई। और भाई यहाँ पर ये जो कार घूम रही है ना हवे पे, मतलब लिटरली मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा इस शुभ अवसर पर कि यहाँ पर बोनस बनता है भाई। मतलब यार लिटरली ये कार जो हवे में गोल गोल घूम रही है ना, मैं कहीं से भी इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा हूँ, जब तक बोनस नहीं ऐड कर देता मेरे को शांति नहीं आएगी भाई। हाँ अगर वो कार किसी रस्सी वगैरह से लटक के घूम रही है तो सॉरी भाई, मैंने मूवी देखी नहीं अभी तक और देखने वाला भी नहीं हूँ। तो भाई यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डबल एल आएगा यहाँ पे, और ऊपर भी भाई ब्रिज की जगह ब्रेंच लिखा हुआ है। और भाई यहाँ पर ये डिस्प्ले सिर्फ यहीं तक है और इसके नीचे मिरर लगा हुआ है। नहीं नीचे मिरर क्यों लगा रखा है भाई, मिरर से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब समझ लो बंदा डिस्प्ले में नीचे तरफ कुछ पड़ रहा है और उसके जस्ट नीचे उसको मिरर में वही चीज उल्टी दिख रही है, तो डिस्ट्रैक्शन तो हो गई भाई। और अभी बबलू के पीछे यहाँ डिस्प्ले में पूरा ब्लैक है, लेकिन जब सडनली उसको जूम करके दिखाते हैं तब वहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। भाई ये खड़े खड़े कुछ ज्यादा ही हाई जंप नहीं कर दिया, लगता है ये भूल गया ये हीरोपंती मूवी चल रही है, फ्लाइंग जेट नहीं चल रही है भाई। नहीं मतलब अब यहाँ रियलिंग्स में खड़े होकर जंप करोगे तो भी बबलू तक ना पहुंच पाओ, और वो तो उसके भी नीचे से इतना हाइट में आया भाई, मतलब कमाल है यार। गालियां होनी चाहिए। अरे वाह भाई ये क्या बवासीर हंसी है। ये दोनों तो भाई बबलू को ही मार रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वाला लगता है बबलू के भूत को मार रहे हैं।
भाई ये मार किधर रहा है और देख किधर रहा है। अभी इसको मार रहा है तो इसको देखना, जितने भी भाले हैं सब इसके जैकेट में ही घुसते हैं भाई, बनियान में एक भी नहीं घुसता, लेकिन फट वो भी जाता है फ्री फंड में पता नहीं कैसे। तो भाई अगर ऐसी ही मिस्टेक्स वीडियो और देखना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर करना, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में। मेरा बच्चा भोला सा एकदम मासूम है, भोला सा एकदम मासूम है। Meanwhile हाँ हाँ दिख रहा है कितना भोला और कितना मासूम है।